Hello friends, how are you? Hope you are well. जॉय लेखा कुकिंग ब्लॉग में आप लोगों को वेलकम। आज का रेसिपी है सुरेशा भोला फिश का, देखकर के जो झाल बनता है और इसमें लग रहा है जो प्याज, हरी मिर्ची, मूली और इसमें कर दिया सरसे का जो पीस लिया मैं, और धनिया पत्ता और मिर्ची का जो डस्ट, नमक, हल्दी, जीरा और धनिया, और उसमें बाद में ऐड करूँगा उसमें कसुंदी। ये है बंगाल का एक फेमस है एक बाद में दिखाऊंगा कैसे बनाना होता है। पहले भोला फिश को मैं सॉल्ट और हल्दी से मैं मखा लूंगा उसको। इसमें थोड़ा सा ही सॉल्ट चाहिए पहले, उसके बाद उसको 15 मिनट ऐसे छोड़ देना है, तब तक मैं प्याज को प्याज और हरी मिर्ची के पीस लेता हूँ। देखिए इसमें मैं थोड़ा प्याज, हरी मिर्ची और थोड़ा सा अदरक रख दिया, अभी उसको मैं पेस्ट कर लूँगा। देखिए प्याज अदरक का पेस्ट बना लिया, अभी तेल चढ़ा दिया है, उसको पहले गरम करना है तेल को, थोड़ा सा नमक भी दे दिया उसमें, अभी मछली उसमें छोड़ दिया भूनने के लिए। पहले दो दो करके मछली उसमें पहले उसमें दालचीनी दे दिया उसमें, उसके बाद इलायची एकदम मीडियम फ्लेम में, उसी तेल में जिस तेल में हम लोग फ्राई किया था, अभी प्याज को किया था उसमें प्याज को पहले फ्राई कर लेंगे। अभी उसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर रहा हूँ, हल्दी, धनिया, जीरा और मिर्ची। आप लोग मिर्ची दीजिएगा स्वाद अनुसार,
मिर्चा नमक अच्छा तरह मिला लूँगा, मिला कर तो स्पाइसेस का स्पेसिफिक जो स्मेल होता है वो चला जाएगा। अभी अच्छा तरह इसको फ्राई करना है एकदम लो फ्लेम में, अगर ज़्यादा फ्लेम दीजिएगा तो जल जाएगा। अभी लगभग 100 ग्राम उसमें पानी ऐड किया, अभी फ्लेम को थोड़ा सा तेज कर दिया, तेज करने के बाद उसमें मूला ऐड किया, मूली ऐड किया। मूली को अभी हिला लूँगा, तब तक उसको रख दूँगा जब तक मूली अच्छा तरह पक ना जाए। अभी थोड़ा सा शक्कर इसमें ऐड किया, और थोड़ा देर के लिए और 3-4 मिनट के लिए पकाऊंगा, तो मूली को अच्छा तरह पकना होगा उसका बाद। अभी धीरे धीरे फिश को ऐड कर रहा हूँ, इसमें रख रहा हूँ ग्रेवी में भोला फिश। ये फिश बंगाल में बहुत फेमस है, बंगाल में हर कोई ये फिश को जानता है, और खाने में भी बहुत टेस्टी होता है। अभी देने के बाद छोड़ देना है, ज़्यादा उसको हिलाना नहीं, कोई ज़्यादा हिलाने से वो टूट जाएगा। ऐसे ही एक पीस जो है, एक पीस थोड़ा सा नरम टाइप का होता है, एक पीस का नाम है भोला पीस। अभी इसमें देखिए जो सोरसा जो पिसा हुआ था वो ऐड कर रहा हूँ, सोरसा लिया था मैं 10 ग्राम सोरसा। अभी वो बर्तन थोड़ा सा पानी दे करके उपयोग था, वो भी पानी इसमें ऐड कर दिया। अभी उसको थोड़ा सा अच्छे हिला दूंगा, ज़्यादा नहीं, और उसको छोड़ दूंगा पकने के लिए। अभी धनिया पत्ता ऐड कर लिया हम लोग, जो भोला पीस है वो तैयारी हो गया। अभी उसमें धनिया पत्ता किया हम लास्ट में, जो कसुंदी है वो कसुंदी ऐड कर रहा हूँ। ये कसुंदी देने से टेस्ट और बढ़ जाता है भोला पीस का, ये बंगाल का एक स्पेशल टिप्स है। लास्ट में हरी मिर्ची चीर करके उसमें ऐड कर दिया। अभी देखिए कैसे ये हम लोगों को सोरसे भोला तैयार है। देखिए अगर ये पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स एंड सब्सक्रिप्शन करने के लिए मत भूलिएगा।
ये है बंगाल का फेमस सरसों भोला। देखिए इतना अच्छा लग रहा है, खाने में भी बहुत टेस्टी है।